एप्पल्स वगैरह उन्होंने हैंग किए उन्होंने, उसके मुताबिक जो उसकी वो कंपेटिबिलिटी जो आई है, जो सेम रैंक के हैं वो सेम लेवल से मूव कर रहे हैं, ठीक है, जो ऑसिलेट कर रहे हैं। इस तरह से हमारे कान के अंदर भी अल्लाह ताला ने सिलसिला रखा हुआ है। फिर उसके अंदर जो अब जो स्मॉल बोन्स हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर जो है, उसकी वाइब्रेशन, उसकी ऑसिलेशन, वो भी उन्होंने अंदर तक दिखाया उसका। उस होल के अंदर जो आवाज की जो गूंज है, इको वगैरह, वो भी उन्होंने इसमें दिखाई है उन्होंने। तो इसके अलावा और कौन सा पार्ट आपको ज्यादा अच्छा लगा जी, जो आप हाँ करें, आप करें हाँ लेक्चर। ये भी यानी कि ना किसी किसी के अंदर क्वालिटी होती है कि बोली जाना, हंसी जाना, हंसी जाना, ये भी हमें, मैं भी यानी कि बाहर विजिट किए हैं तो वो गोरों को पता नहीं वो क्या चीज़ है, वो हंसते रहते हैं, जो मर्दी गुस्से में बात करते हंसते रहते हैं, तो ये बड़ी तकनीक है, तो इसको भी सीखना चाहिए ताकि ताकि ना जो सामने बंदा बैठा उसको अच्छा, जैसे आप अभी बात कर रहे थे स्माइल दे रहे थे, इसी तरह लगा दे तो जब बच्चों के सामने लेके जाए। और अगर हम बच्चों के सामने जब वो आपको रोज मुस्कुराता हुआ देखेंगे तो वो आपको आगे हो जाएंगे, और मेरा ख्याल है की वो वैसा करने की कोशिश भी करेंगे। हमने तरबियत इस तरह से की हुई है, पहली क्लास से, पहली क्लास से तरबियत इस तरह की हुई है कि वो बच्चों की पर्सनैलिटी दब जाती है, बस वो उस्ताद की छड़ी को याद रखते हैं, उस्ताद का रोप दबदबा या उसकी तरफ से दिए हुए काम को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, यही हम मार्सल कर रहे हैं। उनको आप कह के बुलाएं शायद वो आदी नहीं है, आप उनको इज्जत दे के बुलाएं, रिस्पेक्ट दे बुलाएं, वो इसके आदी नहीं है, वो शायद इसको जरा थोड़ा सा भी समझते कि शायद बंदा कोई अनाड़ी आदमी है, कोई नया नया आया कोई, तो लेकिन बाहर लेके उनको रिस्पेक्ट दें रिटर्न के तौर पर, वो भी आपको रिस्पेक्ट देंगे।